हेलो फ्रेंड्स, ईवा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटी मसालेदार भिंडी की दो रेसिपीज। आज मैंने इसे थोड़े अलग तरीके से बनाया है। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भिंडी की सब्जी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनेगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी हमें अच्छी क्वालिटी की लेनी है, पकी हुई भिंडी हमें नहीं लेनी है। भिंडी को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भिंडी को हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। साथ में लिए दो प्याज, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पर इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे के चटकने पर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। फिर हम प्याज को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, साथ में हम डालेंगे बारीक कटी हुई भिंडी। फिर हम भिंडी और सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हम 4 से 5 मिनट तक ढककर रख देंगे पकने के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी भिंडी एकदम से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे प्लेट पर। ये देखिए हमारी भिंडी कितनी खिली खिली हुई बनी हुई है, चिपकी हुई नहीं है। आप इसको रोटी, परांठे या फिर पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। अब मैं आपको भिंडी बनाने का दूसरा मेथड बताती हूँ। इसमें हम बनाएंगे ग्रेवी वाली भिंडी बिना प्याज और लहसुन के। आप ये ग्रेवी वाली भिंडी भगवान के बॉक में भी बना सकते हैं क्योंकि ये बिना प्याज और लहसुन के है। इसके लिए हमने लिए थोड़ी सी भिंडी, इसको हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसको हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। फिर हम लेंगे एक पैन, उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे कटी हुई भिंडी, इसको हम इसमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। हल्का सा कलर चेंज होने पर इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे। फिर हम इसी ऑयल में 1 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर की ग्रेवी, 1/2 चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने प्याज और लहसुन नहीं डाला है, सिर्फ टमाटर की ग्रेवी डाली है। फिर इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से पक रही है। 3 से 4 मिनट होने के बाद हम देखेंगे हमारी ग्रेवी एकदम से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई की हुई अरबी। अरबी और मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भी हम पकने देंगे। ये तैयार होगी हमारी ग्रेवी वाली भिंडी की सब्जी बिना प्याज और लहसुन के। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे प्लेट पर।
आप इसको रोटी, परांठा या फिर पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।